दोस्तों आज हम कुछ इस टाइप का वीडियो बनाने वाले हैं। पहले आप रील देख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसे बनाना कैसे है। दोस्तों इस टाइप का रील इंस्टाग्राम में बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। कोई भी बना के डाल रहा है तो उसको अच्छे खासे व्यूज मिल रहा है। तो अगर आप इसे बनाते हो तो आपको भी अच्छे खासे व्यूज, लाइक्स और फॉलोअर्स मिल सकता है। दोस्तों इस वाले वीडियो में मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ कि आप इजी स्टेप्स में ये वाला रील कैसे बना सकते हो। तो ये वाला रील बनाने के लिए आपको कितने फोटोज लगेंगे, कितने वीडियोज लगेंगे, वीडियो में वो ब्लैक वाला पार्ट कैसे लाना है, ऑडियो के साथ वीडियो को मैच कैसे करना है, वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है सोहेल, आप देख रहे हो ऐसा हमारा यूट्यूब चैनल। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे आपको हर टाइप का एडिट मिलता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों ये वाला वीडियो बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी VN एप्लीकेशन की, जो कि आपको प्ले स्टोर में इजिली मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम VN एप्लीकेशन को खोल लेते हैं। तो VN को खोलने के बाद आपको इस प्लस वाले ऑप्शन में जाके न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। दोस्तों अब आपको यहाँ से अपना 8 फोटोज और 6 वीडियोस को सिलेक्ट करना है। ओके 8 फोटोज और 6 वीडियोस। यहाँ पे ऊपर ऑल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके फोन के सारे फोल्डर्स को दिखा देगा। यहाँ से आप कोई सा भी फोल्डर से अपनी फोटोज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपने लाइटरूम के फोल्डर से अपने फोटोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, एडिटेड फोटो से तो डालूंगा, रियल में गुड लुकिंग नहीं हो तो क्या हुआ, एडिट करके बन जाता हूँ। तो दोस्तों फटाफट से मैं अपने फोटोज और वीडियोस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तब तक के लिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे अपनी फोटोज और वीडियोस सिलेक्ट करने के बाद आपको इस नीचे वाले एरो पे क्लिक करना है, तो आपकी एडिट शुरू। दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे सारे फोटोज और वीडियोस आ चुका है। यहाँ पे आपका सबसे पहला काम यह है कि इसे आपको रील्स की साइज देना है। तो रील्स की साइज देने के लिए आपको ऊपर ओरिजिनल वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक टिकटॉक वाला लोगो दिखेगा, 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। ओके तो ये रील्स की साइज में कट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे सारे फोटोज और वीडियोस 9:16 रेशियो में आ चुका है। तो साइज देने के बाद आपको इसमें वो ब्लैक वाला पार्ट लाना है। ब्लैक वाला पार्ट कैसे लाना है, पहले आपको सबसे एंड में चला जाना है और यहाँ पे एक एंड स्क्रीन दिखेगा, उसे आपको डिलीट कर देना है। और फिर आपको इस प्लस वाले ऑप्शन में जाके फिर से फोटो और वीडियो में क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना ब्लैक वाला पार्ट सिलेक्ट करना है, अगर आपकी डाउनलोडेड हो तो। अब डाउनलोड कैसे करना है, सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, वहाँ पे आपको ये ब्लैक वाला पार्ट मिल जाएगा और म्यूजिक भी मिल जाएगा। तो ब्लैक वाला पार्ट आने के बाद आपको इसे खींच के सामने की तरफ लाना है और उसका 8 कॉपीज बना लेना है। कॉपीज बनाने के लिए आपको इसमें सिंपली टैप करना है और ऊपर आपको डुप्लीकेट वाला ऑप्शन मिल जाए, उस पर क्लिक करते ही आपकी कॉपीज बनता चला जाएगा। तो कॉपीज बनाने के बाद आपको हर एक फोटोज के बीच बीच में इसे लगा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे सारे फोटोज के बीच बीच में ये ब्लैक स्क्रीन लग चुका है। ब्लैक स्क्रीन जो है उसे आप अपने फोटोज के बीच बीच में ही लगाना, वीडियो के बीच में मत लगाना। अब हमारा नेक्स्ट काम ये है कि हमें इसमें म्यूजिक ऐड करना है। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको इस प्लस म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे म्यूजिक में क्लिक करना है। ओके और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रखा है, तो उस वीडियो को मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लेना। और वीडियो में जो म्यूजिक है उसे यूज करने के लिए आपको इस प्लस वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको मेरा वाला वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे पहला वाला म्यूजिक है हमारा, वो इन हार्ट वाला म्यूजिक है, तो उसे हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे म्यूजिक आने के बाद आप दो काम कर सकते हो, या तो आप म्यूजिक में बीट्स ऐड करके उसके अकॉर्डिंग अपने फोटोज और वीडियोस को कट कर सकते हो, या फिर आप साइड में दिए गए लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने फोटोज और वीडियोस का ड्यूरेशन रख सकते हो। तो बीट ऐड करने के लिए आपको म्यूजिक में टैप करके बीट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो ऊंचा ऊंचा हिस्सा आप यहाँ पे देख रहे हो वो सारे बीट्स है। तो बीट्स के आगे और बीट्स के पीछे आपको एक एक फ्लैग लगा देना है। ओके फ्लैग पे टैप करते ही यहाँ पे फ्लैग लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारे सारे म्यूजिक में बीट्स ऐड हो चुके हैं, अब हम इसमें डन कर देंगे। अब हम बीट्स के अकॉर्डिंग हमारे सारे फोटोज और वीडियोस का ड्यूरेशन कट कर लेंगे। तो यहाँ पे बीट्स के अकॉर्डिंग हमारे सारे फोटोज और वीडियोस का ड्यूरेशन मैच हो चुका है, अब हम इसे एक बार प्ले करके देख लेंगे। दोस्तों
तो यहाँ पे काफी औसम तरीके से हमारा रील जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे सेव कर लेंगे। तो सेव करने के लिए आपको इस एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखोगे कि एक्सपोर्ट ओरिजिनल वाला ऑप्शन ऑन रहेगा, उसे आपको ऑफ कर देना है क्योंकि ये ओरिजिनल वाला इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर कभी कभार दिक्कत करता है। और फिर कंटिन्यू टू एक्सपोर्ट पे क्लिक करते ही आपका वीडियो सेव हो जाएगा। लेकिन रुको रुको रुको, यहाँ पे वीडियो को छोड़ के मत जाना दोस्तों। आप जब भी ये वाला रील इंस्टाग्राम पे डालो तो मुझे फॉलो करके टैग जरूर से कर लेना, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स लोग जब भी मुझे टैग करके कोई अच्छा पोस्ट करता है तो मैं उसे शाउट आउट देता हूँ। तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, साथ में मचाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ ऐसे किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।